Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is a beautiful and lovely poem, The Daffodil. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. ये नज़म एक मशहूर अंग्रेज शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. He was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. उस 1770 में इंग्लैंड के एक खूबसूरत झील जिला में पैदा हुए. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks and trees. वो अपने बचपन से ही फूलों, परिंदों, झीलों, दरियाओं, पहाड़ों और दरख्तों के बहुत शौकीन थे. He used to spend much time enjoying their beauty. वो अपना ज़्यादा वक्त इनकी खूबसूरती से लुत्फ़ंदोज़ होते हुए गुजारते. He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. वो अपना बहुत वक्त लंबा सफ़र करते और इन खूबसूरत कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ंदोज़ होते जिनसे ये बहुत मोहब्बत करते थे. He started a new kind of poetry written in a simple words about natural objects and simple country people. उन्होंने एक नई तर्ज की शायरी का आगाज़ किया जो कि सादा अल्फाज, कुदरती अशिया और सादा लोगों के मुतल्लिक थी. He died in 1850. वो 1850 में इंतकाल कर गए. Let's read the first stanza of the poem. I wandered lonely as a cloud. मैं बेमकसद तन्हा बादल की मानिंद घूम रहा था. That floats on high or vales and hills, जो ऊंची वादियों और पहाड़ों पर तैरता है. When all at once I saw a crowd, जबकि मैंने अचानक एक जमे गफीर देखा. A host of golden daffodil, ये मजमा था नरगिस के सुनहरी फूलों का. Beside the lake, beneath the trees, झील के साथ साथ दरख्तों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze, झूमते हुए और नाचते हुए बादे सबा में. Let's discuss the difficult words of first stanza. Wandered, walked here and there without purpose. इसका मतलब है कि बगैर किसी मकसद के इधर उधर घूमना. Vale, meaning is वैली, स्पेस बिटवीन हिल्स और माउंटेन, वादी या पहाड़ों के दरमियान की जगह. थर्ड वन इज होस्ट, मीनिंग इज ग्रेट नंबर और ग्रुप, जमे गफीर या एक ग्रुप. फोर्थ वन इज डैफोडिल, इट्स मीनिंग इज ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स, यानी खूबसूरत पीले रंग के फूल. फ्लटरिंग, इट्स मीनिंग इज मूविंग इन द ब्रीज, यानी ठंडी हवा में इधर उधर हरकत करना. लेट्स समराइज द फर्स्ट स्टैंजा. द स्पीकर वॉज वॉकिंग अराउंड थ्रू द हिल्स एंड वैलीज, शायर वादियों और पहाड़ों में पैदल जा रहा था. बट ही फेल्ट ऑल लोनली, और अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था. Suddenly, as he passed a lake, he noticed a big group of yellow daffodils waving in the breeze. जैसे ही वो झील के पास से उसका गुजर हुआ, उसने देखा कि नरगिस के फूलों का जमे गफीर बादे सबा में हरकत कर रहा है. This wasn't just some scattered patch of daffodils. ये छोटे से हिस्से पर नहीं थे. We are talking thousand and thousand around this particular bay. ये इस खरीज के अतराफ हजारों की तादाद में थे. एंड ऑल दीज फ्लावर्स वर डांसिंग, और ये सब रक्स करते हुए महसूस हो रहे थे. द सेकेंड स्टेंजा इज कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, मुसलसल जैसे तारे चमकते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और झिलमिलाते हैं कहकशा में. They stretched in never-ending line, वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. Along the margin of the bay, खलीज के किनारे के साथ साथ.
10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही नज़र में 10,000 देख लिए. Tossing their heads in sprightly dance, वो खुशी से अपने सरों को हिला रहे थे. Now it's time to discuss the difficult words of second stanza. First one is continuous, meaning going on without a break, यानी मुसलसल बगैर किसी रुकावट के चलते चले जाना. Second one is Milky Way, means a bright belt of stars in the sky, आसमान पर सितारों की कहकशां. Third one is bay, its meaning is small part of a sea or lake, झील या दरिया का एक छोटा सा हिस्सा. Third one is at a glance, quick look, यानी बहुत तेजी से किसी चीज को देखना. Tossing, its meaning is rising and falling, यानी झूमना या ऊपर नीचे हरकत करना. Sprightly, its meaning is lively, brisk, यानी दिल जिंदा दिली से. Let's summarize the second stanza. To William Wordsworth, the daffodil appeared to be as continuous as the twinkling stars on the Milky Way galaxy. विलियम वर्ड्सवर्थ को नरगिस के फूल बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहे थे जैसे कि कहकशां में सितारे चमकते हैं. They were arrayed in a seemingly unending line along the bank of the adjacent bay. वो मुल्हिका खलीज के किनारे के साथ साथ एक बज़ाहिर ना ख़त्म होने वाली लाइन में नजर आ रहे थे. To the poet, it seemed as if 10,000 daffodils were bobbing in the gentle breeze and he imagined them to be engaged in a lively dance. शायर को ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 नरगिस के फूल ठंडी हवा में ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं और इसने तसव्वुर किया जैसे वो जिंदा रक्स में मसरूफ हों. The third stanza is, the waves beside them danced but they, इनके पहलू में लहरें भी नाच रही थी लेकिन वो, outdid the sparkling waves in glee, चमकदार लहरों से खुशी मनाने में सबकत ले जा रहे थे. A poet could not but be gay, इस शायर एक शायर सिवाय खुश होने की क्या कर सकता है. In such a jocund company, ऐसी पुरमुसरत मजलिस में. I gazed and gazed, but little thought, मैंने गौर से देखा और गौर से देखा लेकिन जरा सोचा. What wealth the show to me had brought, कि ये नज़ारा मुझे कौन सी दौलत दे रहा है. Let's discuss the difficult words of third stanza. Sparkling, its meaning is shining, yani chamakna. Second one is glee, its meaning is happiness, yani khushi se. Jocund, its meaning is gay, lively, yani khush hona. Fourth one is gazed, looking with wonder, यानी हैरानी से किसी चीज को देखना. What wealth means here, what happiness, यानी यहां किस तरह की खुशी. This show means the scene of the daffodil dancing and fluttering, यानी वो daffodil का मंजर जिसमें वो नाचते हुए और झूमते हुए नजर आते हैं. Let's discuss it. The scene attracted the poet a lot and felt like that waves danced along daffodil. ये मंजर शायर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था और इसे ऐसा लग रहा था जैसे लहरें भी नरगिस के फूलों के साथ रक्स कर रही हैं. He kept gazing at the daffodil for a long time in amazement. वो हैरत से बहुत देर तक नरगिस के फूलों को देखता रहा. He got completely involved in enjoying the scene and was totally lost in their beauty.
वो मनाजिर को से लुत्फ़ानंदोज़ होने में मुकम्मल तौर पर शामिल हो गया और इनकी खूबसूरती में मुकम्मल तौर पर खो गया। लेट्स रीड द फोर्थ स्टेंजा। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, अक्सर जब मैं आरामदेह कुर्सी पर आराम करता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन या गहरी सोच विचार में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरी अंदरूनी आँख में रोशन हो जाते हैं, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई में खुशी का सबब है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल, तब मेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाता है, इन डांस विद द डैफोडिल, और नरगिस के फूलों के साथ नाचता है। इट्स टाइम टू डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ फोर्थ स्टेंजा। फर्स्ट वर्ड इज ऑफ्ट, मीन्स ऑफन, मैनी टाइम, यानी अक्सर या कई मर्तबा। सेकेंड वन इज वेकेंट, मीन्स फ्री आवर्स, लेजर टाइम, फारिग, मतलब फारिग औकात। पेंसिव, सीरियसली थॉटफुल, संजीदगी से या गहरी सोच में। फ्लैश मीन्स सडन ब्राइट लाइट, अचानक तेज रोशनी का नजर आना। इनवर्ड आई मीन्स डीप लुक, पार्ट टू सी द पास्ट एक्सपीरियंस इन माइंड, गहरी नजर, जहन में माजी के तजर्बे को देखने की ताकत। लास्ट वन इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इट्स मीनिंग इज ग्रेट जॉय ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन की बड़ी खुशी। लेट्स समराइज द लास्ट स्टैंजा। Whenever the poet is in low spirit or lies on his couch in a vacant or pensive mood, जब भी शायर मायूस या अकेला होता है या फारिग या और गहरी सोच में अपनी आराम कुर्सी पर लेटता है, the sight of the daffodil flashes in his mind, नरगिस के फूलों के ये मनाजिर इसके जहन में चमकने लगते हैं, his heart fills with joy and happiness, उसका दिल खुशी और मुसर्रत से भर जाता है, एंड इट सीम्स टू हिम एज इफ हिज हार्ट इज डांसिंग विद द डैफोडिल, और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल नरगिस के फूलों के साथ रक्स कर रहा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम डैफोडिल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।